नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज़। बेहद बुरी खबर आई है कैथल से। कैथल शहर गूंजा गोलियों से। कैथल में CI पुलिस व बदमाशों के बीच में जमकर फायरिंग हुई है। पांव में गोली मारकर किया है गिरफ्तार। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, कल्याण के रेडीमेड शोरूम में संचालक शेखर शर्मा पर गोली चलाने के मामले में वांछित आरोपी नवदीप निवासी लांबाखेड़ी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पांव में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल में दाखिल करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मकसूद अहमद मौके पर पहुंचे हैं। स्थिति का जायजा लिया। CI1 पुलिस को सूचना मिली थी आरोपित नवनीत गांव बड़े सिकरी के आसपास है। सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार करने की 2 टीमों का गठन किया गया। 7 बजे शाम को ही बड़े सिकरी व बालू गांव के कच्चे रवजाए के पास से मुठभेड़ हो गई। सामने आमने गोलियां चली और उसके अंदर एक गोली सीधी यहां आरोपी के पैर में जा लगी। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया। साथियों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।